हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और आपका साइंस टीचर। आज के साइंस क्लास में आप सभी को चैप्टर वन में द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स में कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उन्हें। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग ऑर्गेन्स इन एनिमल्स। जानवरों में श्वसन अंग किस प्रकार के पाए जाते हैं उनके बारे में। सेकेंड है मूवमेंट इन एनिमल्स। जानवरों में किस प्रकार का हलचल होता है, किस प्रकार की गति होती है उसके बारे में। एंड थर्ड लास्ट माइग्रेशन, पलायन या प्रवासन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाके बसना, क्यों बसते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक ब्रीथिंग ऑर्गेन्स इन एनिमल्स, जानवरों में श्वसन अंग। तो किस किस प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं उन्हें पढ़ेंगे। ब्रीथिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। श्वसन जो है, सांस लेना, सभी जीवित चीजों के लिए जो है सो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हम सभी जो है सांस लेने की प्रक्रिया द्वारा ही जीवित रहते हैं, जितने भी जीवित चीज हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। सांस लेने के दौरान, जब हम सांस लेते हैं उसके दौरान जो है सो हम क्या करते हैं, गैसों का जो है सो आदान प्रदान करते हैं। तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, सांस में लेते हैं अंदर की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर की ओर छोड़ते हैं अपने नाक के माध्यम से। तो ये हमारा क्या है, सांस लेने के दौरान ये करते हैं, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी एज इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ऑक्सीजन का जो सेवन है आवश्यक है, तो ऑक्सीजन का जो है सेवन हम किस प्रकार से करते हैं तो ये देखें, क्योंकि इसमें भोजन को तोड़ने और ऊर्जा को रिलीज करने में मदद मिलती है, जो विभिन्न गतिविधियों को, अलग अलग प्रकार के जो गतिविधि होते हैं उसको करने के लिए आवश्यक है। देखिए, ऑक्सीजन जो है सो हम क्यों लेते हैं, क्यों आवश्यक है लेना, क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं उसको तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, और उससे ऊर्जा को रिलीज करने के लिए हमें जो है सो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और भी अनेक कारण हैं जिनके कारण हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गेन्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। नेक्स्ट कह रहा है कि जो अलग अलग जानवरों के सांस लेने के अंग जो है सो अलग अलग होते हैं, क्योंकि देखिए हम सभी जीव जो हैं सो एक दूसरे से भिन्न हैं, इसीलिए हम लोगों के सांस लेने का अंग भी जो है सो अलग अलग होता है। तो चलिए हम देखते हैं उनमें से कुछ जो है जानवरों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके श्वसन अंग के बारे में। फर्स्ट इंसेक्ट, कीड़ा। इंसेक्ट्स एक्सचेंज द गैसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स एज दियर बॉडी सरफेस नॉन एज स्पाइरिकल्स। कह रहा है कि कीड़े अपने शरीर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिन्हें स्पायरिकल्स कहा जाता है। तो कीड़े जो हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वो जो है सांस किस प्रकार से लेते हैं, तो अपने शरीर के जो है सो छोटे छोटे छिद्र की सहायता से वो गैस को आदान प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट गिल। गिल इज ब्रीथिंग ऑर्गेन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, क्रैब, टेडपोल, प्रॉन, ईटीसी। गिल्स हेल्प दीज एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स जो है लगभग सभी जलीय जानवरों जैसे मछली, केकड़ा, टेडपोल, झींगा आदि में पाए जाने वाला एक सांस लेने का अंग है। देखिए, जलीय जीव जो जैसे कि मछली, केकड़ा और टेडपोल, झींगा, ये सब क्या है, जलीय जीव है। इन सभी में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, और गिल्स के सहायता से ही ये सांस लेते हैं। जितने भी जलीय जीव हैं उनमें सांस लेने का अंग कौन सा है, गिल्स, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं,
पानी में जो है से घुले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी सहायता से वो जल में जीवित रह पाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि जानवर जो है, जलीय जीव जो है, सो किस सहायता से जो है सो पानी में एग्जिस्ट करते हैं, तो गिल्स की सहायता से वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं पानी में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बिंगो बैंक में। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या है? तो कह रहा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यूज दियर बॉडी सरफेस टू ब्रीथ। तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जीव, वो सांस लेने के लिए अपने शरीर के सतह का ही उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी छोटे जीव होंगे, पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, वो अपने शरीर के छोटे छोटे छिद्र से ही सांस लेते हैं। नेक्स्ट, अदर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। कह रहा है कि जो जानवर जो हैं, जैसे कि सरीसृप, जैसे रेप्टाइल, पक्षी और स्तनधारी, अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। देखिए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जो है किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि सांप, कछुआ, ठीक है। नेक्स्ट पक्षी, पक्षी में किस तरह के जीव पाए जाते हैं, जैसे कबूतर, पेंगुइन, ये सब क्या है, पक्षी हैं। और स्तनधारी, जिसे मैमल्स के नाम से जानते हैं, तो मैमल्स में कौन कौन पाए जाते हैं, डॉग और ह्यूमंस। तो ये सभी जो है सो किस प्रकार सांस लेते हैं, ये सब जो है सो अपने फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। इस तरह के जीवों में क्या पाया जाता है, तो सांस लेने के लिए इन सभी में जो है सो लंग्स पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज एक्सहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। और फेफड़ों का कार्य है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, जो नाक से रक्त में प्रवाहित होता है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तो देखिए फेफड़ों का कार्य क्या है, लंग्स का कार्य है इतना ही कि वो ऑक्सीजन को जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो किस स्थान से, तो वो क्या करता है, फेफड़ा नाक से लेके रक्त में ले जाता है ऑक्सीजन को, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा मुक्त कर देता है। तो याद रखिएगा फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है सिर्फ। नेक्स्ट है, एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टोड दैट स्पेंड पार्ट ऑफ दियर लाइफ अंडर वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। मेंढक और टोड जैसे जो जानवर हैं सो अपना जीवन पानी के नीचे ही बिताते हैं, क्योंकि ये जलीय जीव भी हैं और भूमि पर रहने वाले भी जीव हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर या एम्फीबियंस कहते हैं। तो याद रखिएगा एम्फीबियंस कौन कौन है, तो मेंढक और टोड, जो क्या करते हैं, अपना जीवन जो है सो पानी में भी बिताते हैं और भूमि पर भी बिताते हैं, तो ये दोनों जगह पे रह सकते हैं। वेन यंग दीज एनिमल्स लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, एज एडल्ट द ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन द लैंड मोस्ट स्किनिंग वाटर। तो कम उम्र में ये जो जानवर हैं, जब छोटे रहते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय जो है सो पानी में रहते हैं और पानी में जो है सो गल्फर की सहायता से सांस लेते हैं। याद रखिएगा जो जितने भी जलीय जीव है वो जो है सो किसके, गिल्स की सहायता से ही सांस लेते हैं पानी में। तो इसीलिए तो जब ये अगर पानी के जीव हैं, क्योंकि इनमें पानी में भी रहने का मतलब कि गिफ्टेड है, ये जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भूमि पर भी रह सकता है, तो अगर जब ये पानी में रहेंगे तो ये गिल्स की सहायता से सांस लेंगे, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तब ये फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। तो पानी में गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं और भूमि पर फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, कौन, तो मेंढक और टोड जैसे एम्फीबियंस, ठीक है। तो हमने इसमें अलग अलग प्रकार के जानवरों को बारे में पढ़ा है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने श्वसन अंग के द्वारा सांस लेते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
कुछ क्वेश्चन सब दिए गए हैं जिनमें क्या सही है क्या गलत है उनका आप चयन कीजिएगा। फर्स्ट है कि इंसेक्ट एक्सचेंज द गैसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन दियर बॉडी सरफेस नॉन एज स्पाइरिकल्स, कि कीड़े अपने शरीर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स कहा जाता है। तो हमने आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया था कि जो कीड़े जो है सो अपने छोटे छोटे छिद्र के सहायता से ही अपने शरीर की सतह पर जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र की सहायता से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं और जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो ये जो है सो यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स हैव द सेम ब्रीथिंग ऑर्गेन्स, सभी जानवरों के सांस लेने के अंग समान होते हैं? नहीं, सभी जानवर जो हैं सो अलग अलग प्रकार से सांस लेते हैं, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, लंग्स हेल्प दीज एनिमल्स टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, फेफड़े इन जानवरों को पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन रहते हैं पानी में जो मिक्स ऑक्सीजन रहते हैं उसको ऑब्जॉर्व करने में मदद करते हैं? तो नहीं, फेफड़े जो है जमीन पर रहने वाले जीवों को जो ही सिर्फ सांस लेने में मदद करते हैं, जल में घुले ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए लंग्स की सहायता चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स। पानी में रहने वाले जीवों को किस चीज़ की सहायता पड़ती है सांस लेने के लिए? गिल्स के। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स, क्या सरीसृप पक्षी और स्तनधारी जैसे जानवर जो हैं अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं? हाँ सही, क्योंकि जितने ये सभी जीव जो हैं सो क्या है धरती पर रहने वाले जीव हैं तो ये सभी जो है सो अपने लंग्स के द्वारा ही सांस लेते हैं, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट इन एनिमल्स, जो पौधों में जो है सो किस प्रकार से हलचल होती है किस प्रकार से गति होती है तो उसके बारे में। अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देखिए जैसे कि पौधे अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं सो क्या करते हैं जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। देखिए तो जानवर जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं लेकिन जो है पौधे जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। दिस मूवमेंट इज नॉन एज लोकोमोशन, तो इसी इसी गतिविधि या मूवमेंट को जो है सो हम क्या कहते हैं लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को ही या उसमें हलचल होना ही उसी को जो दिखे आपके आंखों से देखा जा सके किसी के स्थान में परिवर्तन को उसी को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं या मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, इट कैन ओनली हेल्प्स देम टू ऑब्टेन फूड एंड गेट शेल्टर बट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर ऑफ प्रीडेटर्स और नेचुरल क्लाइमेटिस, यह न केवल उन्हें भोजन प्राप्त करने और आश्रय प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि शिकारियों या प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से बचाने में भी मदद करता है। तो देखिए ये जो जीव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं वो केवल जो है ना केवल भोजन प्राप्त करने वो भोजन प्राप्त करने के लिए भी भटकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या आश्रय के लिए अपने रहने के लिए घर के लिए भी जाते हैं। तो घर की आवश्यकता क्यों है? घर की आवश्यकता इसलिए है उन लोगों को कि कोई भी अगर खतरा हो या किसी जानवर कोई अगर हमला करते हैं इसीलिए उन्हें बचाव के लिए उन्हें घर के आश्रय की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उनके लिए और शिकारियों बल्कि शिकार से और प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप सुनामी बाढ़ इस सब से खतरे से भी बचने के लिए उन्हें विभिन्न जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट टू मूव, तो अब देखिए जो अलग अलग जो जानवर हैं सो अपने शरीर के हिस्से का किस प्रकार से उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अब उनके बारे में जो हम से क्या करेंगे स्टडी करेंगे डिटेल से कि वो किस प्रकार से उपयोग करते हैं अपने शरीर के हिस्सों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए।
फर्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट कैन मूव इन वेरियस वेज। कीड़े जो हैं सो विभिन्न तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि वो किस प्रकार पढ़ते हैं। दे कैन वॉक, जंप, फ्लाई, हॉप एंड क्रॉल। वे क्या करते हैं, कीड़े जो हैं सो वे चल सकते हैं, वे कूद सकते हैं, वो उड़ सकते हैं और वो उछल भी सकते हैं और रेंग सकते हैं। तो एक कीड़ा जो है सो बहुत सारा मूवमेंट कर सकता है। बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स दैट हेल्प टू देम टू फ्लाई। तो तितलियां और मच्छरों में जो है सो एक या दो जोड़ी पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। हमारे जो तितलियां होती है जो उड़ते रहते हैं फूलों पर वो, और मच्छर जो आपके घरों में भनभनाते रहते हैं, ये दोनों जो है इन दोनों के पास एक से दो जोड़ी पंख होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। टर्माइट्स लाइक आइस लाइस ईटीसी मूव बाय क्रॉलिंग, सिमिलरली एंट्स एंड कॉकरोचेज वॉक। देखिए जैसे कि दीमक, जू आदि क्या होते हैं, रेंग कर चलते हैं, ये भूमि पर रेंगते हैं दीमक और जू। इसी तरह जो है सो तिल चट्टा और चींटियां भी चलते हैं। तो देखिए तो दीमक जू जो है सो रेंग कर चलते हैं और चींटियां और तिल चट्टे क्या करते हैं, इसी तरह से चलते हैं जमीन पे। ठीक है, नेक्स्ट है अ ग्रास होपर हॉप्स यूजिंग इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स। एक्वेटिक इंसेक्ट लाइक बैक स्विमर एंड वाटर बोटमैन यूज दियर हिंड लेग्स टू स्विम। एक टिड्डी अपने लंबे पिछले पैरों का उपयोग करके उछलते हैं। एक टिड्डी जो होते हैं वो क्या करता है, किस तरह से चलता है, तो वो अपने पिछले जो है पीछे वाले पैर का हिस्सा जो है उसका उपयोग करके वो उछलते हैं। और बैक स्विमर और पानी के नाव वाले जैसे जलीय कीट जो हैं तैरने के लिए अपने पिछले पैरों का उपयोग करते हैं। तो बैक स्विमर, आप कभी अगर पानी में अगर गए होंगे तैरने के लिए तो आप अपने पिछले हिस्से अपने पीछे वाले जो पैर हैं उनका ही उपयोग करके आगे बढ़ते होंगे पानी में। तो उसी तरह से जितने भी जीव होंगे जलीय जीव वो भी जो है सो अपने जैसे मछली मछली भी अपने विंग्स का ही प्रयोग करते हैं पूंछ वाले पीछे वाले भाग का, और उसके बाद वो आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। छिपकली, सांप और मगरमच्छ जैसे सरीसृप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गति के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं। देखिए अब जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ, ये किस प्रकार के जीव हैं, तो ये जो है ये सभी जो है सो रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, जो किस प्रकार से सांस लेते हैं, लंग्स से, और वो भूमि पर रहते हैं। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तो अपने विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं गति के लिए। जीव किस प्रकार से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते हैं, चल के जाते हैं कि रेंग के जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ देम लेग्स और सम यूज दियर स्केली स्किन टू मूव बाय क्रॉलिंग। उनमें से कुछ जो के पांव तो होते हैं, उनमें से कुछ जीव जैसे होते हैं जैसे कि मगरमच्छ, उनके पास तो पांव होते हैं, और कुछ अपनी खुरदरी त्वचा का इस्तेमाल रेंगते हुए करते हैं जैसे कि सांप। सांप जो है क्या करते हैं सो अपने खुरदरी जो त्वचा होती है उनकी सहायता से रेंगते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी रेप्टाइल्स होंगे वो अलग अलग तरह से चलते हैं। ठीक है, मगरमच्छ जो है सो अपने पाँव की सहायता से चलते हैं, सांप जो है सो रेंग के चलते हैं, छिपकली के पास भी पाँव है होता है लेकिन वो भी जो है सो दीवार से चिपके रहते हैं क्योंकि उसके शरीर जो है सो खुरदरा रहते हैं और एक तरह से ग्रिप बनाते हैं दीवार पे। ठीक है, नेक्स्ट
टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल हैव लेग्स एंड मूव अबाउट यूजिंग देम। कछुआ और मगरमच्छ के पैर होते हैं जो उन्हें इस्तेमाल करने के बारे में जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं, वो किस प्रकार उपयोग करते हैं टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल मूव करने के लिए। अ स्नेक ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव लेग्स, इट्स यूजेज स्केल प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी टू मूव। देखिए, दूसरी ओर सांप के पैर नहीं होते हैं, ये चलने के लिए अपने शरीर के निचले हिस्से का उपयोग करते हैं। सांप के पास पाँव नहीं होता है, ये हमने साफ कह दिया पहले ही, क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे तो उनके पास पाँव नहीं रहता है, वो जो है सिर्फ रेंगते हैं जमीन पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किस प्रकार चलते हैं, तो उनके पास पैर नहीं होता तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने शरीर के निचले हिस्से के जो है उपयोग करते हैं, खुरदरी त्वचा वाले हिस्से का। और जिसके इसके इसके पास जो है, इसके अलावा भी, खुरदरी त्वचा के अलावा भी एक चीज़ और है, वो क्या है, एक शक्तिशाली पेशीय तंत्र और लचीली रीढ़ की हड्डी जिसे इसे चलने में सहायता करती है। सांप के पास जो है एक खुरदरी त्वचा तो होती ही है जो उसे रेंगने के लिए मदद करती है, साथ में उसे आगे बढ़ने के लिए उसके शरीर में एक शक्तिशाली पेशीय तंत्र होती है और एक लचीली रीढ़ हड्डी होती है, लचीलापन जिसे देता है, जिसके कारण वो गोल सर्किल के साइज में भी वो खड़ा रह पाता है। अगर आपके शरीर का अगर रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइन जो है, अगर वो अगर लचीला हो तो आप जो है सो आराम से जो है सो किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं, अपने आप को मुड़ सकते हैं। अगर आपके शरीर का स्पाइन वाला भाग जो है, रीढ़ का हड्डी, अगर वो लचीला ना हो तो जैसे हम लोगों का, ह्यूमंस का नहीं है, लचीला नहीं है, इसी के कारण जो है सो हम क्या करते हैं, हम सीधे खड़े रह पाते हैं। नहीं तो अगर हमारा अगर लचीला रहता रीढ़ का हड्डी तो हम लोग जो है सो क्या होते हैं, सर्किल के आकार में बैठ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टर्टल कैन स्विम इजिली यूजिंग इट्स लिम्स। एक कछुआ जो है अपने अंगों का उपयोग करके आसानी से तैर सकता है। तो याद रखिएगा, जो जितने भी कछुए हैं टॉर्टोइज या टर्टल, ये क्या करते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने अंगों का उपयोग करके आसानी से तैर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। तो बर्ड्स जो है सो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, देखिए। तो बर्ड्स जो है, बर्ड्स कैन हॉप और वॉक ऑन लैंड, स्विम इन वाटर एंड फ्लाई इन द एयर। पक्षी जो है जमीन पर चल सकते हैं, कूद सकते हैं और पानी में तैर सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं। अपने आप जो है सो अपने आसपास देखे होंगे पक्षी को हवा में उड़ते हुए देखे होंगे, और कितने पक्षी को आप पानी में तैरते हुए भी देखे होंगे, और कितने पक्षी जो है सो जमीन पर भोजन की तलाश में भी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। एक पक्षी के आगे वाला जो भाग होता है, ये जो विंग्स है, ये जो है क्या है, आगे वाला भाग है एक पक्षी का, जिसे फोर लिम्स कहते हैं, हिंदी में इसे अग्रभाग कहते हैं, अगला भाग। तो एक पक्षी का जो आगे का भाग जो है सो पंख के रूप में मॉडिफाइड, ये देख सकते हैं आप, ये पंख के रूप में इनका जो है आगे वाला भाग है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो आगे वाला भाग है उन्हें क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करती हैं, और उसे तो ये किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, तो ये अपनी पंखों के सहायता से हवा में उड़ पाते हैं, इस प्रकार से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉ। क्रॉ, स्पैरो, ईगल, पैरोट, ईटीसी आर कॉमन बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई। कौवा, गोरैया, चील, तोता आदि जितने भी सामान्य पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं, उनके पास क्या है, पंख है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए।
Some birds like ostrich, emu and kiwi is called flightless birds. और उसमें से कुछ ऐसे भी पक्षी हैं, कुछ पक्षी जैसे कि शुतुरमुर्ग, ईमू और कीवी को फ्लैटलेस बर्ड कहा जाता है। तो देखिए फ्लैटलेस बर्ड का मतलब क्या होता है। फ्लैटलेस बर्ड का मतलब होता है जो हवा में, आकाश में उड़ नहीं सकता है। तो कौन कौन से जीव हैं जो नहीं उड़ सकते हैं? तो शुतुरमुर्ग, ईमू और कीवी, ये तीनों जो है सो नहीं उड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर का जो है, शरीर जो है सो बहुत भारी होते हैं और इनका जो है सो पंख कमजोर होता है, इसलिए ये उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव हैवी, वेरी हैवी बॉडीज एंड वीक विंग्स दैट कैन नॉट फ्लाई। तो इनका शरीर जो है सो बहुत भारी होता है, जिसके कारण ये जो है सो हवा में उड़ नहीं पाते हैं। देखिए हवा में उड़ने के लिए पक्षियों का शरीर का भाग जो है सो हल्का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हल्का है तो वो आसानी से उड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बर्ड्स कैन देयर हिंड लिम्स और लेग्स टू वॉक, रन, कैच प्रे एंड इवन अटैक देयर एनिमीज। पक्षी अपने पिछले हाथ पैर या पैरों से चलते हैं, दौड़ते हैं और उनसे ही शिकार पकड़ते हैं। तो पक्षियों के पास भी दो पांव होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अपने वो पिछले वाले जो भाग होते हैं जिनमें पांव होते हैं, उन्हीं की सहायता से वो क्या करते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं या किसी शिकार को दबोच के पकड़ते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि अपने दुश्मनों पर भी हमला करते हैं अपने पिछले पैरों का उपयोग करके ही। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्ड्स लाइक डक, स्वैन, ईटीसी कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर ड्यू टू दियर वेब्ड फीट। वास्तव में बत्तख, हंस जैसे पक्षी भी अपने वेब्ड फीट, जिसे झिल्लीदार पैर भी कहते हैं, जो जाल जैसे दिखता है, ठीक है, उसके सहायता से पानी में तैर सकते हैं। जैसे कि बत्तख और हंस का आप एक पिक्चर ले लीजिएगा, उसमें पाँव में देखिएगा तो उसका जो है सो वेब्ड फीट रहता है, जो उसे पानी में तैरने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हम अब जानेंगे, तो ये किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। शेर, बाघ, हाथी और अन्य कई स्थलीय जानवरों को दो जोड़े होते हैं। तो देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसे कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल को हम जो है सो स्थलीय जानवर कहते हैं, जैसे कि कौन कौन, शेर, बाघ, हाथी और अन्य कई जीव हैं जो वो क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। एंड मोस्ट एनी, ये जितने भी जीव हैं किस में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, ये जोड़ा में रहते हैं। तो मोस्ट एनिमल्स यूज ऑल फोर लिम्स टू वॉक, रन एंड फोर अदर मूवमेंट्स। और अधिकांश जानवर जो है सो चलने, दौड़ने और अन्य जो है गतिविधि या हरकत करने के लिए सभी चार अंगों का उपयोग करते हैं। तो उनके पास जो है कितने अंग रहते हैं, चार अंगों का उपयोग करते हैं अधिकांश जानवर, जैसे कि कौन कौन सा, चलने और दौड़ने और अन्य हरकतों के लिए वो अपने चार सभी अंगों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स लाइक टर्टल्स यूज दियर लिम्स टू स्विम। तो कछुए जैसे जलीय जानवर जो है सो तैरने के लिए अपने अंगों का उपयोग करते हैं, क्योंकि कछुआ जो है सो जलीय जीव है, तो अपने अगर अपने अंगों का तैरने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, अपने अंगों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हर जितने भी जीव हैं सब में कुछ ना कुछ खास अंग होते हैं जिनकी सहायता से वो अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। अदर्स लाइक फ्रॉक्स यूज दियर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, वाइल दे यूज दियर लॉन्ग हिंड लेग्स टू हॉप ऑन लैंड। जैसे कि मेंढक जैसे अन्य जीव जो हैं सो पानी में तैरने के लिए अपने वेब्ड फीट, वेब वाले पैर का उपयोग करते हैं, जबकि वे जमीन पे कूदने या उछलने के लिए अपने लंबे पिछले पैरों का उपयोग करते हैं।
कछुआ जैसे जीव जो है जलीय जीव, वो तैरने के लिए सिर्फ अपने अंगों का उपयोग करते हैं, जबकि मेंढक के पास जो है सो तैरने के लिए जो है सो क्या होता है, वेब्ड फीट होता है, पानी में तैरने के लिए वेब्ड फीट होता है, ठीक है। और जबकि आ जमीन पर चलने के लिए मेंढक के पास क्या होता है, पिछला लंबा पांव होता है जिसके सहायता से वो जमीन पर जो है सो उछलते और कूदता है, उसी के सहायता से वो आगे बढ़ पाता है जमीन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फिश हैव फिन्स टू मूव इन वाटर। मछली के पास जो है पानी में मूव करने के लिए क्या होता है, फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, जिसके सहायता से वो पानी में तैर सकते हैं। द फिन्स हेल्प फिश टू स्विम एंड मेंटेन बैलेंस इन द वाटर। और वो जो पंख है, वो फिन्स जो है सो मछली को तैरने और पानी में क्या संतुलन बनाने में मदद करते हैं, जिसके सहायता से वो एक स्थान पे दूसरे स्थान तक जा पाते हैं मछली। द टेल फिन हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन। और मछली का जो टेल फिन है उन्हें दिशा बदलने में मदद करते हैं। उनका जो पिछला भाग होता है मछली का, तो पिछले भाग को हम क्या कहते हैं, टेल्स फिन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें दिशा बदलने के लिए मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ जो है क्वेश्चन है जिनके एक शब्द में आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट है, द ड्राई एंड सैंडी रीजन विच रिसीव्स वेरी लिटिल रॉनफॉल। सूखा और रेतीला क्षेत्र जो बहुत कम वर्षा प्राप्त है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है और जहाँ पे सूखा और रेतीला रेत वाला क्षेत्र दिखता है, तो वो है हमारा डेजर्ट, रेगिस्तान। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बॉडी कवरिंग फाउंड इन टर्टल्स एंड टॉर्टोइज। बताइए कि टर्टल्स और टॉर्टोइज में पाए जाने वाले मजबूत और कठोर शरीर का भाग कौन सा है। तो ऑफ कोर्स आपको याद होगा उसका जो ऊपर वाला भाग है, जिसको हम जैसे कि फर टाइप से होता है, ठीक है, जो बहुत कठोर होता है, कछुआ का ऊपरी भाग, ठीक। द ब्रीथिंग ऑर्गेन फाउंड इन टेडपोल। एक टेडपोल में पाए जाने वाला सांस लेने का अंग क्या होता है, ठीक है। एंड द मॉडिफाइड फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड। एक पक्षी में पाए जाने वाला आगे का हिस्सा क्या है, पंख है। तो ये सभी जो है इसमें से आपको, आप पिछले कक्षा में जो पढ़े हैं उनमें से आपको क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप मैसेज के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन का मतलब है कि जब कोई जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए जाते हैं, तो कब जाते हैं, तो मौसम के बदलने के अनुसार जो आते जाते हैं उसे ही माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन को दूसरे शब्द में प्रवासन भी कहते हैं, दूसरे स्थान पे जाके बसने बसना। माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन सीजन, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। हैबिटेट, अब देखिए माइग्रेशन को जो डिफाइन किया गया है, माइग्रेशन शब्द को परिभाषित किया गया है जानवरों के गतिविधि से, जानवरों के गति से। तो देखिए प्रवासन को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक जानवर के आने जाने की क्रिया के रूप में जो है सो डिफाइन किया जाता है। जब कोई जानवर मौसम में और निवास स्थान में और भोजन की उपलब्ध करवाने की स्थिति में, जब भोजन उपलब्ध नहीं रहता, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया के जवाब में जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जिसे प्रवासन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो कोई जानवर एक अपना स्थान, निवास स्थान छोड़ के क्यों जाता, तो वो तभी जा सकते हैं कि जब मौसम में परिवर्तन हो जाए, जो उसके रहने लायक नहीं हो वो माहौल, तभी जो है सो कोई जानवर एक एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पे जाते हैं, उन्हें ही जो है सो हम प्रवासन कहते हैं। प्रवासन का मुख्य तीन कारण है। जो पहला है, पहला क्या है, पहला है सीजन, चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन होता है तब
तभी जानवर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, या हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे भोजन की जो है सो कमी हो जाए, तभी उसी के उपलब्धि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये अन्य बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जाके बसने के लिए मजबूर होते हैं, इसीलिए वो जाते हैं। तो इन्हें ही पलायन या प्रवासन कहते हैं। दिस हैपेंस एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग इन पार्टिकुलर सीजन। यह जो है ये जो माइग्रेशन है यह एक नियमित समय पर या किसी विशेष मौसम के दौरान ही होता है। जब कोई ऐसा मौसम जैसे ठंड का मौसम आ जाए और उसके रहने के लिए वो उपयुक्त जगह ना हो, तभी वो एक मतलब निश्चित समय के लिए ही वो जाते हैं। जब ठंड खत्म हो जाती है तो वो फिर वापस आ जाते हैं अपने घर पे। नेक्स्ट, एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशन इन दियर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ। और पशु जो है सो प्रवास करते हैं क्योंकि मतलब प्रवास में पलायन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, पशु प्रवास करते हैं क्योंकि उनकी निवास स्थान की स्थिति जो है उसके जीवन के समर्थन करने के लिए प्रतिकूल नहीं होती है। अभी जस्ट हमने बताया कि जो पशु में क्या होता है, प्रवासन तभी करते हैं क्योंकि क्या होता है उनका जहाँ वो रहते हैं जिस निवास स्थान पे वहाँ की स्थिति क्या होती है उसके रहने लायक जो है सो नहीं हो पा नहीं रह पाती है, क्योंकि उनका जो है सो जीवन जो है सो बहुत कठोर हो जाता है वहाँ पे रहना उस मौसम के बदलने के अनुसार, इसीलिए वो दूसरे स्थान चले जाते हैं। नेक्स्ट है, आइदर द वेदर बिकम्स टू कोल्ड टू हॉट और द अवेलेबल फूड बिकम्स स्केयर्स। और या तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है या बहुत गर्म हो जाता है या भोजन दुर्लभ हो जाता है, इस कारण से भी जाना पड़ता है। तो प्रवासन का मेन कारण ये भी हो सकता है कि मौसम क्या हो कि बहुत ठंडा हो गया हो वहाँ पे जहाँ पे वो रहते निवास स्थान पे, या तो बहुत गर्म हो गया हो और उसे रहने में दिक्कत हो रही हो, और या तो भोजन की जो है सो कमी हो जिसके कारण उन्हें दूसरे स्थान पे जाने मजबूर कर देती है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं उनके प्रवासन का। नेक्स्ट, मेनी टाइम्स एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट्स और फ्लोट्स। कई बार जानवर जो है भूकंप, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जानवर पलायन करते हैं। तो भूकंप जो है और सूखा या बाढ़, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जो है सो जानवर जो है सो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, पलायन करते हैं, दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ड माइग्रेशन कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड माइग्रेटस विच मीन्स टू चेंज। तो नॉलेज बैंक में कुछ दिया गया है कि माइग्रेशन माइग्रेशन शब्द जो है पक्षियों के आवाजाही के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइग्रेशन मतलब पलायन। ठीक है, ये एक लेटिन शब्द है जिसका मतलब है कि परिवर्तन। ठीक है, चेंज। नेक्स्ट, यूजुअली द वर्ड माइग्रेशन इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। आमतौर पर माइग्रेशन शब्द पक्षियों की आवाजाही के कारण अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। होता क्या, माइग्रेशन शब्द जो है तब इस्तेमाल किया जाता है जब पक्षी जो है क्या करते हैं, एक अपने अपने निवास स्थान को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो तब भी उसको भी जो है हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। बर्ड्स कैन माइग्रेट ट्वाइस इन ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटमन। पक्षी जो है आमतौर पर वसंत और शरद ऋतु के दौरान ही साल में 2 बार प्रवास करते हैं। तो पक्षी जो है साल में कितने बार प्रवास करते हैं, मतलब कि माइग्रेशन करते हैं, तो 2 बार ही, एक बसंत ऋतु में और एक शरद ऋतु के दौरान वो प्रवास करते हैं। नेक्स्ट,
बट सम बर्ड्स माइग्रेट नॉट ऑल, लेकिन जो है केवल कुछ पक्षी ही प्रवास करते हैं, सभी नहीं। तो साल में जो है सो बसंत ऋतु और शरद ऋतु में केवल कुछ पक्षी ही दूसरे जगह जाते हैं, और कुछ पक्षी जो है वहाँ रहने लायक होते हैं जिसके कारण वो नहीं प्रवास करते हैं दूसरे जगह पे। ठीक है, द बर्ड्स द माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी माइग्रेटोरी बर्ड्स, और जो प्रवास करने के लिए पक्षियों को प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पक्षी जो है वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं बसंत और शरद ऋतु के दौरान, तो उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है, माइग्रेशन माइग्रेशन बर्ड्स कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। एंड वाइल द वंस दैट डू नॉट माइग्रेट आर कॉल्ड रेसिडेंट बर्ड्स, और जो जीव वहाँ से वहीं पे रह जाते हैं उन्हें जो है सो निवासी पक्षी कहा जाता है। जो पक्षी जो क्या करते हैं अपने स्थान को छोड़ के नहीं जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निवासी पक्षी कहते हैं, रेसिडेंशियल बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं, जैसे कि द मेन रीजन बिहाइंड दियर माइग्रेशन इज टू स्केप कोल्ड वेदर एंड कंडीशन टू फाइंड द फूड। इसका जो है प्रवास करने वाले पक्षियों को जो है सो ठंड मौसम की स्थिति और भोजन से बचने के लिए उनके प्रवास के पीछे का मुख्य कारण है। तो उनके जो है सो एक पलायन करने का मुख्य कारण क्या है, प्रवास करने का मुख्य कारण क्या है। प्रवास करने का मुख्य कारण दो ही है, पहला है जो ठंड के मौसम की स्थिति में बदलाव के कारण, और दूसरा भोजन से। तो इन दोनों से बचने के लिए जो है से वो माइग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट, दे केम बैक टू द ओरिजिनल हैबिटेट ईच ईयर, और वे क्या करते हैं जब ये मौसम ठंड का मौसम बीत जाता है तो उसके बाद वे प्रत्येक वर्ष मूल निवास स्थान पर वापस आ जाते हैं। तो जब ठंड का मौसम खत्म हो जाता है तो वो अपने स्थान पर फिर वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आर्टिक टर्न नेस्ट नियर द नॉर्थ पोल इन समर एंड द फाइल फ्लाइज ऑल द वे टू अंटार्कटिका इन ऑटमन एस्केप हर्स कोल्ड कंडीशन। उदाहरण के लिए आर्टिक टर्न घोंसले गर्मियों में उत्तरी ध्रुव के पास है, तो आर्टिक टर्न के जो घोंसले हैं पक्षियों का वो कहाँ है, तो गर्मियों में उत्तरी ध्रुव के पास है, और ठंडी में जो है कठोर ठंड से बचने के लिए शरद ऋतु में अंटार्कटिक के लिए सभी उड़ जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे एक पक्षी है जिनका घोंसला जो है आर्कटिक टर्न का जो घोंसला है गर्मी के दिनों में उत्तरी ध्रुव के पास रहते हैं, और कठोर ठंड से बचने के लिए शरद ऋतु में कहाँ रहते हैं, वो अपना घोंसला बनाते हैं अंटार्कटिक में बनाते हैं, और वहाँ पे उस समय चले जाते हैं ठंड से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माइग्रेटिंग डक्स एंड गीज ऑफ टेन फ्लाई वी शेप फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है माइग्रेशन के लिए जो है डक और गीज जैसे जो है मतलब पक्षी वो क्या करते हैं वी शेप के फॉर्मेशन, वी के आकार में जो है सो देखिए ये वी के आकार में जो है सो उड़ते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें उड़ने में भी सावधानी होती है और उनका एनर्जी बचा रहता है। नेक्स्ट है, बिसाइड बर्ड सम अदर एनिमल्स लाइक कैरेबो एल्क सम बैट्स वेल्स इटीसी टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। पक्षियों के अलावा कुछ अन्य जानवर जैसे कारिबू एल्क कुछ चमगादड़ वेल आदि भी भोजन की तलाश में पलायन करते हैं। तो कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो क्या करते हैं पलायन करते हैं, किस चीज़ की तलाश में, तो भोजन की तलाश में, जैसे कि कुछ कुछ क्या नाम है एल्फ चमगादड़ वेल कारिबू। ठीक है, नेक्स्ट एमोंग इंसेक्ट बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स ऑल्सो माइग्रेट, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज मोनोरेच बटरफ्लाई दैट माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको इन विंटर। जैसे कुछ कीटों के बीच तितलियां और पतंगे भी पलायन करते हैं। तो देखिए
जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, कीट मकोड़े कीड़े मकोड़े, उनके साथ जो है तितलियां और फतिंगा या भी जो है सो पलायन करते हैं। तो किस लिए? तो एक बहुत ही सामान्य उदाहरण, जैसे कि एक मोनार्क तितली है जो सर्दियों में कनाडा से मैक्सिको तक जाती है। तो किसी भी जीव के लिए पलायन करने का एक ही कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे अनेक कारण होते हैं जिनके कारण उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेशन या पलायन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, कभी उन्हें भोजन की तलाश में और तो कभी उन्हें मौसम के परिवर्तन के। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।